जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो कि कार्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय का काल यानी वर्तमान काल, और वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना और उसका प्रकट जारी रहना, जो कि कार्य प्रकट होता है किंतु हमें यह मालूम नहीं होता है और नहीं पड़ता है कि कार्य हमारे द्वारा जो कार्य किया गया था वह कब स्टार्ट हुआ, कब प्रारंभ हुआ और कब उसका एंड होगा, कब उसका समाप्त, कब वह समाप्त होगा। तो पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव देन नेगेटिव सेंटेंस, और देन इसके पश्चात हमने पढ़े थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से स्टार्ट होती हैं। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जिसको कि हम कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। इंटरोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, जो कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, इज, आर और एम होती है। और दूसरे वो सेंटेंस होती हैं जो कि डब्ल्यू एच, स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए हमारा पार्ट नंबर सेकेंड पढ़ेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा डब्ल्यू एच वर्ड से, स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से, वो होगा वोट, वर्ड्स होंगे वोट, वेयर, वैन, हु, हाउ एट्सेट्रा। अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले चूंकि डब्ल्यू एच वर्ड से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका वर्ड होगा डब्ल्यू एच वर्ड होगा, देन इसके बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब एच वी लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज, आर और एम है। देन इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस आई एन जी लगाएंगे, ठीक है, और देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। ओके, अब क्या है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वोट एम आई प्लेइंग, कि मैं क्या खेल रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले वोट क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, इसके बाद एम क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब, ओके, फिर देन इसके बाद हम किसको लेंगे, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट किस में क्या है इसमें, आई, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, और इसमें ऐड क्या किया हमने, आई एन और जी, आई एन जी इसमें हमने ऐड किया, तो हमारा सेंटेंस बना, सेंटेंस बना वोट एम आई प्लेइंग, और लास्ट में हमने लगाया साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य लगाया कि वोट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ। देन हम सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, सेकंड है जो कि हाउ से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड ही है, वो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ एम आई प्लेइंग यानी मैं कैसे खेलता हूँ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई चुकी, इसमें क्या है, प्लूरल पर्सन, ओके, प्लूरल माने बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आई के साथ हमेशा ही क्या होती है, एम हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके, ठीक है, तो पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर देन हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, देन इसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर इसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्ले क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें हमने ऐड क्या किया, आई एन जी ऐड किया, ओके, तो इस सेंटेंस को हम वापस समझेंगे, हमने लिखा कि हाउ एम आई प्लेइंग, मैं किस प्रकार से और कैसे खेलता हूँ, ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड हमारा एग्जाम्पल आता है वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो, क्यों के लिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वाई क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ओके, देन फिर हमने क्या लगाया, प्लस लगाया, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, वाई आर, चूँकि इसमें यू क्या है, यू अपने आप में सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यानी
बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इज और एम नहीं लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्योंकि ये बहुवचन है। तो इसमें हो जाएगा वाई आर यू, और स्लिप हो गई वर्ब की प्लस, स्लिप क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें हमने ऐड क्या किया आई एन जी, ठीक है आई एन जी ऐड कर दिया, ठीक है तो ये बन गया स्लीपिंग, ठीक है। तो इसमें हमने वर्ड लगाया, पूरा सेंटेंस बना वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। नेक्स्ट आता है सेकेंड, फोर नंबर का, फोर नंबर का आता है एग्जाम्पल विच सॉन्ग इज सीता सिंगिंग, कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसको कि सीता गा रही है, जो सॉन्ग सीता गा रही है वह कौन सा सॉन्ग है, क्या है। तो इसमें विच क्या हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, प्लस हमने ऐड किया सॉन्ग, ठीक है विच सॉन्ग, ठीक है ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया विच सॉन्ग, प्लस इस क्या होगी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट क्या हुआ सीता, ठीक है प्लस सिंग क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, देन आईएनजी इसमें हमने क्या किया आईएनजी इसमें हमने ऐड किया, ओके तो इसका हम इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना विच सॉन्ग इज सीता सिंगिंग, सीता कौन सा सॉन्ग, कैसा सॉन्ग गा रही है, कौन सा सॉन्ग गा रही है। देन इसके बाद स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब हमने इंटरोगेटिव तो पढ़ लिया, अब इंटरोगेटिव के बाद में हमने नेगेटिव जोड़ा और नेगेटिव मिला करके दोनों सेंटेंस हमारे बनते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आता है, ये भी दो प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, और देन सेकेंड जो होता है वो स्टार्ट होता है डब्ल्यू एच वर्ड से, ठीक है। तो इसको हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब यानी एच वी, नहीं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद हम लेंगे प्लस सब्जेक्ट, प्लस नेगेटिव है तो प्लस नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और प्लस एंड में हम क्या ऐड करेंगे ing ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस ये हेल्पिंग फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वह पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल हमारा बनता है, एग्जांपल हमारा बनता है एम आई नोट प्लेइंग, ठीक है कि एम हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या हो गई एम, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गया प्लेइंग, एम आई नोट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। सेकंड सेकंड एग्जांपल है तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड बनता है इज सी नोट राइटिंग, ठीक है आई के साथ एम आते हैं, ठीक है तो इसलिए एम आया, देन सेकंड एग्जांपल है इज सी नोट राइटिंग, इज सी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, चूंकि सिंगुलर है एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा इज लगेगी, ठीक है। और फिर देन ये नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा नोट लगेगा, फिर क्या लगेगी प्लस वी वन लगेगी, ठीक है ओके। फिर देन इसके बाद हम क्या क्या ऐड करेंगे आईएनजी ऐड करेंगे, हमने क्या ऐड कर दिया इसमें आईएनजी, तो इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सी हो गई सब्जेक्ट, सी हो गया सब्जेक्ट, फिर प्लस नोट लगाना है, प्लस राइट होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन फिर प्लस हमने ऐड क्या किया आईएनजी, और लास्ट में क्या लगाया साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक का हमने इसमें निशान लगाया, जो कि हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सभी में शायद मैं कहीं भूल गई होंगी, तो लास्ट में हमें सभी को इंटरोगेटिव निशान आपको प्रश्नवाचक निशान इस सब में लगाना है, ओके। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड से इसमें हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हमारा एग्जांपल बनता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस वी वर्ड प्लस आई एन जी, और लास्ट में हम लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। हमारा इसमें सबसे पहले एग्जांपल बनता है वाई आर दे नोट स्लीपिंग,
वाई हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और स्लिप हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन इसमें आई एन जी एड करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, और लास्ट में हम लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक निशान। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बनता है वाई आर दे नॉट स्लीपिंग, वे क्यों नहीं सो रहे हैं। इसके पश्चात हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का भी यूज़ लिया जाता है, उसको भी हमें काम में लिया, उसको भी हम काम में लेते हैं। तो वो एडवर्ब कौन कौन सी हैं उसको हम ध्यान देंगे, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, दीज डेज, दोज डेज, ऑलवेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इवेंट, नाउ, नाउअडेज एट्सेट्रा। ये कुछ वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के पीछे लिखे होंगे, इनको देख करके हमें पहचानना होगा, फिर देन इसके पश्चात हमें क्या लिखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमें वर्ब लगानी होगी। देन सेकेंड नंबर इसी में इसकी इसी का सेकेंड रूल होगा, वर्ब इंडिकेट चेंजेज ऑफ सिचुएशन। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो कि हमें सिचुएशन में परिवर्तन करती हुई भी दिखाई देंगी, जैसे कि बिकम टर्न, गेट, गो, ग्रो, टेक एट्सेट्रा। अब हम इसकी एक्सरसाइज होगी, इसमें एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल होगा आई एम ब्लैंक द टेबल, और कोष्ठक में वर्ब हमारी दे रखी है टर्न। ओके, तो टर्न जो है हमारी वर्ब है, आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, देन तो इसके लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, तो आई के साथ एम लग जाएगा, और टर्न जो है इसमें चूंकि कंटिन्यूस टेंस है, टर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना है, प्लस आई एन जी, तो ये क्या हो गया टर्निंग। ठीक है, तो इसमें हमने लगाया आई एम टर्निंग द टेबल, मैं टेबल की ओर मुड़ रहा हूँ। ठीक है, देन इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा यू आर ब्लैंक फिर योर पेपर, और हमारी वर्ब इसके अंदर है राइट। ठीक है, तो इसमें यू हो गया, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर बहुवचन है, तो आर हेल्पिंग नेचुरल है कि हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। ठीक है, राइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे तो बन गया राइटिंग। ठीक है, तो यू आर राइटिंग योर पेपर, तुम अपने पेपर पर अपना लेखन कार्य कर रही हो। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है, तो थर्ड एग्जाम्पल है इसका ही इज ब्लैंक ओवर द फेंस। फेंस क्या होता है, फेंस जिसको हम कहेंगे चार दीवारी या बाड़ा, है ना, एक जो चारों ओर से उसकी चार दीवारी घिरी हुई होती है, तो जिसे हम कहेंगे चार दीवारी, या फिर कह सकते हैं हम बाड़ा भी इसे कह सकते हैं। तो ही इज जंप से बन गया जंपिंग ओवर द फेंस, वह बाड़े में उछल कूद कर रहा है। फेंस क्या है, फेंस मीन्स चार दीवारी, जिसे हम कहेंगे चार दीवारी, या जिसे हम बाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ही इज जंपिंग द फेंस, वह बाड़े में, वह चार दीवारी में क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, जंप हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आई एन जी भी लगा दिया, तो ये हो गई जंपिंग। ही इज जंपिंग ओवर द फेंस, वह बाड़े में, वह चार दीवारी में उछल कूद कर रहा है। एग्जाम्पल होगा फोर को हम पढ़ेंगे हरी इज सकिंग द जूस। वर्ब हमारी इसमें कोष्ठक में दे रखी है सक, तो सक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगा दिया तो बन गया सकिंग। हरी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस, तो हरी इज सकिंग द जूस, हरी जो है वह जूस को चूस रहा है, सकिंग माने चूसना, हरी जूस को चूस रहा है। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यू आर ब्लैंक योर बुक्स, और वर्ब इसमें दे रखी है इसकी टेक। ठीक है, तो इसका हम
इसको हम पढ़ेंगे टेक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा टेकिंग। अब यूज हो है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यानी बहुवचन है तो नेचुरल है कि हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। यू आर टेकिंग योर बुक्स, तुम अपनी बुक्स को अपनी पुस्तक को ले रही हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर हम सिक्स पढ़ेंगे। द पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री, द पिलग्रिम फिर ब्लैंक कोशक में वर्ब दे रखी है हमारी क्लाइम, वर्ब क्या दे रखी है क्लाइम द माउंटेन्स एट दिस मोमेंट, एडवर्ब इसमें दे रखा है एट दिस मोमेंट, क्या इंडिकेट कर रखा है एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण इस समय, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री जो है वो पिलग्रिम्स हैं इसमें, ये क्योंकि चूंकि प्लूरल पर्सन है बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी आर लगेगी, ठीक है। और इसके साथ इसमें वर्ब दे रखी है क्लाइम, तो इसकी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा क्लाइम, तो पिलग्रिम्स आर क्लाइम द माउंटेन एट दिस मोमेंट। अब तीर्थयात्री जो हैं इस समय, एट दिस मोमेंट माने इस समय वो पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर लेंगे सेवन, सेवन में होगा ए टूरिस्ट इस, फिर देन इसके बाद इसमें इसकी एस के आई इसकी ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक में इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है कॉस्टिक में इसकी एस के आई इसकी, इसकी मैंने बर्फ पर चलने के लिए जो लकड़ी के जूते होते हैं जिनके द्वारा बर्फ पर चढ़ाई की जाती है, इसकी मीन्स जूते जो कि लकड़ी से बने हुए होते हैं और बर्फ पर चढ़ते हैं तो उसको पहनते हैं। तो अ टूरिस्ट इज स्कीइंग ऑन द स्नो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मीन्स इस समय, इस समय टाइम आपका इंडिकेट कर रहा है, तो इसको देखते हुए हम जान लेंगे कि हमें इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब लगानी है भरनी है। तो टूरिस्ट यानी पर्यटक जो हैं वो स्कीइंग, स्कीइंग मैंने बर्फ पर उन जूतों को लकड़ी से बने जूतों को पहनकर इस समय चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर एट, एट में पढ़ेंगे द पुलिस ब्लैंक फिर चेस द थीफ नाउ, इसमें वर्ड लास्ट में वर्ड क्या आ गया नाउ माने अब, यानी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वो जारी है हमारा कार्य जो है वो अभी भी जारी है कंटिन्यू है। तो पुलिस आर, फिर पुलिस जो है अपने आप में क्या होता है प्लूरल पर्सन होता है अपने आप में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, ओके। फिर चेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी लगा देंगे तो चेसिंग हो जाएगा, द पुलिस आर चेसिंग द थीफ नाउ, पुलिस जो है अब चोरों की क्या कर रही है उनका पीछा कर रही है, चेस माने पीछा करना उनका पीछा कर रही है, तो इसमें पुलिस क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, चेस में आईएनजी लग गया तो चेसिंग जो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई, ठीक है। तो पुलिस जो है वह चोरों का पीछा कर रही है। एग्जाम्पल नंबर पढ़ेंगे नाइन, द एजुकेशन मिनिस्टर ब्लैंक और कोष्टक में वर्ब दे रखी है विजिट, विजिट मैंने भ्रमण करना, भ्रमण कर रहे हैं टूर पे जा रही हैं, द टाउन टुमारो, नेक्स्ट में वर्ड क्या है टाउन में कस्बे में, टुमारो मीन्स आने वाला कल, उसमें वो यानी भविष्य, भविष्य की बात इंडिकेट कर रहे हैं, सॉरी भविष्य की बात इंडिकेट कर रहे हैं और उसकी जो है वो क्या है प्री प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग की प्री प्लानिंग यानी पहले से ही उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कर ली गई है कि अब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो अब कल जो हैं वो टाउन में क्या करेंगे, टाउन में विजिट करेंगे, टाउन में भ्रमण करेंगे, तो उनकी पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली गई है कि टुमारो मीन्स आने वाले कल में वो एजुकेशन मिनिस्टर टाउन में कस्बे में अगले दिन भ्रमण करेंगे, विजिटिंग माने भ्रमण करना यात्रा करना, भ्रमण करेंगे, ओके। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आता है टेन, तो टेन में हम पढ़ेंगे द रिच ब्लैंक नोट हेल्प, कोष्टक में दे रखा है नोट हेल्प द पुअर, फिर इसमें अंडरलाइन वर्ड दे रखा है दीज डेज, दीज डेज माने इन दिनों, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है द वर्ड भी दे रखा है और फिर प्लस क्या दे रखा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो क्या दे रखा है वो भी क्या दे रखा है
एडजेक्टिव है इसमें रिच, जो रिच जो है अपने आप में क्या है, प्लूरल पर्सन है, यानी बहुवचन का यहाँ पर काम कर रहा है। प्लस इसके पहले द वर्ड भी दे रखा है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हैं एच वी जो है वो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ओके, तो इसमें हम इसको सेंटेंस को बनाते समय फिर हम इसको पढ़ेंगे कि द रिच आर नॉट हेल्पिंग द पुअर दीज डेज। इन दिनों जो रिच पर्सन, जो धनवान लोग जो हैं वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं।